सरहद पर जान हथेली में लेकर देश की सुरक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। इन जवानों के लिए या फोर्स के लिए जो भी खरीदारी होती है, पर्सनल यूज की हो, शस्त्र की हो या लड़ाकू हवाई जहाज की हो, उसमें घपले नहीं होने चाहिए। पर मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं, क्योंकि मोदी जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आमना सामना वो चीफ मिनिस्टर और मैं लीडर ऑपोजिशन, वो चीफ मिनिस्टर और मैं पीएसी कमेटी का चेयरमैन, और वो कुछ नहीं प्रचारक के नाते घूमते हो और मैं मंत्री हूं, बहुत नजदीकी से करीबी से देखा है। वो आधा सच बोलते हैं। वो कहते हैं मैं खाता नहीं खाने देता नहीं, पर सच्चाई ये है कि वो करोड़ों से कम खाते नहीं और सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने देते नहीं। अब अरुण जेटली जी ब्लॉग लिखते हैं या मोदी जी लिखवाते हैं, वो हमारे सवाल के जवाब नहीं देते हैं, वो इधर उधर की बात करते हैं, सवाल खड़े करते हैं। मैं अरुण जेटली जी को कहूंगा कि इधर उधर की बात मत कर, बात मुद्दे की कर कि 560 करोड़ का 1670 करोड़, 526 करोड़ और 1670 करोड़ प्राइस डिफरेंस क्यों? फिर ये लॉजिक देते हैं कि एसेसरीज मिसाइल्स ये लगेंगे। फ्रांस और देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री का जॉइंट स्टेटमेंट हमने वेबसाइट पे लगाया, उसमें उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री और फ्रांस ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि स्पेसिफिकेशन टेक्निकलिटी पहले कमिटी ने कांग्रेस के वक्त में जो तय की है वही रहेगी, टेक्निकल बिड में कोई बदलाव नहीं है। जब टेक्निकल बिड में बदलाव नहीं तो फिर आप एक लाइट भी अलग नहीं लगा सकते, तो प्राइस क्यों बढ़े? कम से कम जवाब तो ये तो बताएं। तो ये मोटे तौर पर जो हकीकत है, ये करोड़ों का भ्रष्टाचार। अनिल अंबानी ने वहां पे अपनी फैक्ट्री का शुभारंभ किया, वहां नितिन गडकरी जी गए, महाराष्ट्र बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री गए, फ्रांस की रक्षा मंत्री गए, वहां प्रेस नोट जारी करके इन्होंने सारी चीजें बताई। अब भाजपा सरकार इस भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रही है। जितने भी आरोप हुए हमने कहा, मैं कहता हूं आपको 43,000 करोड़ एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर 36 राफेल 43। अब अनिल अंबानी कहते हैं, जो मोदी जी और उसकी सरकार कहती है हमें पता नहीं, वो कहते हैं कि लाइफ साइकिल, माने मैं और आप गाड़ी लेते हैं, उसको सर्विस करवाते हैं, लाइफ टाइम में बैटरी बदलते हैं, टायर बदलते हैं, वो जो काम करते हैं उसे लाइफ साइकिल, माने आपका 40 साल की आयु है गाड़ी की, तो उसमें जो खर्चा होता है उसका लाइफ साइकिल कॉन्ट्रैक्ट 1,00,000 करोड़ का है। अब सरकार कहती है हमें पता नहीं, दासोल्ट और अंबानी कहते हैं कि 1,00,000 करोड़ का लाइफ साइकिल कॉन्ट्रैक्ट भी इनको दिया विदाउट एनी टेंडर। अब जब तक सरकार इसकी चर्चा नहीं करेगी, अगर उसको जोड़ोगे आप तो 1,73,000 करोड़ हो गए। आप इसको सिर्फ 18 हवाई जहाज, हमको लेना है 126। आप ये भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि आपने 36 ही लेंगे जो वही बना बनाया। आपने कहा कि पूरा सबूत मेरा सबूत जो 43,000 करोड़ 36, दैट्स द फिगर।